लोग शुरू करते हैं। दो मिनट लगेगा और अगर आप लोग को आवाज़ मेरी जा रही है ठीक ठाक तो आप में से कोई जो है ये बताएं कि आवाज़ क्लियर जा रही है और वीडियो ठीक है। तो अभी तुरंत हम लोग शुरू करते हैं, कई लोग और भी लाइन में हैं तो तुरंत हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और थोड़ी सी दो चार पाँच मिनट और रुक जाइए आप लोग और इसके बाद तुरंत हम लोग अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि हमने पहले दिन इंट्रोडक्शन के क्लास में हमने आपसे बातें किया था कि हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग फोकस करके बीपीएससी 67 पीटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। और इसमें हम लोग एक एक सेक्शन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही मैंने बताया था कि जब तक आप सेक्शन वाइज तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपकी संपूर्ण तैयारी नहीं होती है, राइट। और आप इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं कि कहां पर हमारी गलती हो रही है। तो हम अपनी गलतियों को इवैल्यूएट कर लें, जो लोग पुराने लोग हैं उन लोगों को अपनी गलतियों को इवैल्यूएट करनी है, और जो लोग नए लोग हैं तो चूंकि इसमें हम एकदम बेसिक से बात करेंगे तो आप इन चीज़ों को समझते जाएंगे। जहां कोई परेशानी होगी तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज जो हम लोग इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं, पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम लोग आज करेंगे एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया से जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको कि हालांकि एंशिएंट इंडिया से प्रश्न जो है कम पूछे जाते हैं, राइट, लेकिन कमीशन के एग्ज़ाम का जो स्वरूप होता है उसमें ये देखने को मिलता है कि कभी भी उसमें चेंजेज हो जाता है। यानी कभी वो एंशिएंट इंडिया से भी 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसलिए जब हम लोगों को अगर तैयारी करनी है तो पूरी बेसिक से एडवांस लेवल तक हमें समझनी है। अरविंद आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, आवाज़ आ रही है ना। आप लोग अपने अपने माइक को म्यूट करके रखेंगे ताकि बाकी को आवाज़ क्लियर जाए। तो हम लोग बेसिक से चीज़ों को पढ़ेंगे और दो चार मिनट और लगेगा और लोग भी जुड़ रहे हैं तो फिर मैं शुरू करता हूँ। तो एंशिएंट इंडिया की जो क्लास हम लोग शुरू करेंगे तो इसके संदर्भ में कुछ बेसिक चीज़ें भी होती है। और बेसिक में मैं थोड़ी सी बात चर्चा करूँगा, 5-7-10 मिनट आपको लगेगा क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नए हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है और ग्रामीण इलाके से भी जुड़े हुए हैं, जो गांव में हैं और गांव में रह करके तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। तो ये सारा चीज़ संभव हो पा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। तो इसका उद्देश्य भी है कि कुछ ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ें जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिनके पास से पढ़ने का बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है और वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकें। तो इसलिए मैं एकदम बेसिक से बात करने जा रहा हूँ। अब देखो, एंशिएंट इंडिया जब पढ़ने जाओगे तो जो एंशिएंट इंडिया है, ऐसे देखो इतिहास जब आप पढ़ते हो तो एक पॉपुलर टर्म में इतिहास के अंतर्गत हम लोग ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की बात हम लोग करते हैं, पॉपुलर टर्म में हम लोग बात करते हैं, राइट। लेकिन
इतिहास का जो टेक्निकल डिवीजन है, टेक्निकल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तकनीकी रूप से इतिहास को प्रीहिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंड हिस्टोरिकल पीरियड में डिवीजन करते हैं। ये एकदम बेसिक चीज है। ये आपको ध्यान में रखना है कि तकनीकी रूप से हम लोग इसको तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसको विभाजित करते हैं। प्रीहिस्ट्री यानी प्राक इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री मतलब आदि इतिहास, और हिस्टोरिकल पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल, है ना। तो इतिहास से में जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को, तो हम कहां से शुरू करते हैं, राइट। तो देखो, एक चीज ध्यान में रखना है कि इस धरती पर बहुत दिनों तक मनुष्य नहीं था, तो आपके मन में जो पहला ये प्रश्न होना चाहिए, हम वहां से शुरू करते हैं जब इस धरती पर पहली बार मनुष्य का उद्भव होता है। इस धरती पर मनुष्य का उद्भव और फिर उसका विकास होता है। तो मनुष्य का उद्भव एवं विकास हम लोग बायोसाइंस में भी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो बायोसाइंस और एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य के बायोलॉजिकल उद्विकास का भी अध्ययन करते हैं। तो मनुष्य जो है, एक तो कब हम माने कि किस पीरियड से मनुष्य का उद्भव हुआ और कब से हम इस पूरे कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ध्यान में ये रखो कि 3 मिलियंस ईयर एगो, है ना। हिंदी में जो लोग पढ़ रहे हैं, 3 मिलियंस का मतलब होता है लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व जो है इस धरती पर मनुष्य का उद्भव होता है, और 30 लाख वर्ष से लेकर के अभी तक हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो इससे पूरी कहानी का अध्ययन हम लोग इतिहास के अंतर्गत करते हैं। जब इतिहास का अध्ययन करते हैं, आप इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो पुस्तकों के अध्ययन में कुछ बेसिक टर्म आप यूज करते हो। एक यूज करते हो BC, ये खास करके उन लोगों के लिए है जो कि एकदम से शुरू करते हैं। और जैसे हम बात करें कि 3 मिलियंस ईयर्स एगो, है ना, तो 3 मिलियंस BC भी हम कहेंगे, ठीक है। तो 3 मिलियंस BC में मनुष्य का उद्भव होता है, तो इस BC का मतलब क्या है, राइट। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पूर्व। अब देखो, एक चीज यहां ध्यान में रखना है, खास करके जो लोग पुराने स्टूडेंट है, जो लोग पढ़ रहे हैं, तो अब अगर NCERT, जैसा मैंने कहा था आपको कि क्लास ज्वाइन करने के पहले आप NCERT की किताबों को पढ़ लीजिएगा, तो नई वाली जो NCERT है, थीम्स ऑफ अर्ली इंडिया, उस नई वाली NCERT में BC की जगह BCE टर्म यूज किया गया है। BCE की जगह BCE। तो क्या कोई पुराने स्टूडेंट जो कि पढ़े हुए हैं, आप BCE का मतलब बताइए, अगर किसी को इसकी जानकारी हो जो कि पुराने पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, तो BCE का क्या मतलब है। अब ये टर्म यूज हो रहा है, जैसे नए NCERT पढ़िएगा तो इसमें BCE मिलेगा, पुराने वाले में BC मिलेगा। तो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर
कॉमन एरा। देखो बहुत ये छोटी बात मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर बीसी की जगह बीसीई यूज कर देगा तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो और आप जो है कन्फ्यूज करके गलतियां करें, क्योंकि जो पीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक्यूरेसी, अगर आप एक्यूरेट आंसर करते हैं तो आपके पास करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं तो कुछ गलतियां, चार पांच गलतियां करके आ जाते हैं और बाहर आते हैं तो कहते हैं कि इसका मतलब ये था, मैंने गलती कर दी। तो एक तो ध्यान से देखना है और छोटी छोटी बातों को भी जानना है, क्योंकि अगर आप छोटी बातों को नहीं जान रहे हैं और फिर अगर पूछा गया, अब देखो बिफोर कॉमन एरा का मतलब भी यही है कि ईसा के जन्म के पूर्व का जो समय है उसको बिफोर कॉमन एरा के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक और शब्द हम लोग इतिहास पढ़ने के क्रम में यूज करते हैं, एडी, एडी है ना। तो एडी जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं इसका क्या मतलब होता है ना। इसका जो अंग्रेजी इसका टर्म है वो है एनो डोमिनो। एनो डोमिनो का मतलब है कि ईसा के जन्म के बाद, है ना। और ये एडी शुरू होता है 1 AD, आप देखेंगे तो ये ईसा के जन्म है, यानी जन्म के उपरांत। आज हम लोग कितने में हैं, 2021 AD में, राइट। और अगर बीसी की बात कर रहे हैं 3 मिलियंस, बीसी की बात कर रहे हैं तो 3 मिलियंस यानी 30 लाख इधर और उसमें 2021 आप ऐड कर देंगे। अब भी नए जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें एडी की जगह अब सी इस्तेमाल किया जा रहा है, सीई। इसको कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। कॉमन एरा मतलब इसकी शुरुआत हो रही है ईसा के जन्म से, राइट। एक तीसरा टर्म आपको जाननी चाहिए जो इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत यूज होता है, जिसको कहते हैं बीपी। इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, राइट, बिफोर प्रेजेंट। अगर जैसे हम कहें कि 3 मिलियन BC या 3 मिलियन BCE और फिर हम बीपी यूज करें, तो बीपी और बीसीई और बीसी का जो टाइम पीरियड होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, राइट। क्योंकि बिफोर प्रेजेंट जो होता है, बीपी जो होता है, इसकी गणना 1950 एडी से या सी से होता है। तो एक तो आपको ये बेसिक चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिक चीज जानने के बाद चूंकि आप पढ़ते हैं तो ये बात ध्यान में रखना है कि इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं या संस्कृति के उद्विकास का अध्ययन करते हैं तो संस्कृति के उद्विकास का जो अध्ययन है उस उद्विकास के अध्ययन में हम लोग काल के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, काल के परिप्रेक्ष्य में, समय के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य ने किस प्रकार से सांस्कृतिक विकास किया है उसका अध्ययन हम लोग इतिहास के अंतर्गत करते हैं। अब हम फिर लौट रहे हैं इस टर्म पर, क्योंकि हम लोग आज इन्हीं चीज़ों को करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि तकनीकी दृष्टिकोण से इतिहास का जो डिवीजन होता है वो होता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड, तकनीकी दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन पूछना, हाँ हाँ बोलिए। तो ये जो जैसे टाइम होता है, टाइम जो बोल रहे हैं अभी आप, BCE और जो कॉमन एरा है, मतलब नॉर्मल डे में अगर मैं ऐसे बात करूँ कि अगर एक साल है तो उसका जनगण, मतलब उसकी जो गिनती है
1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक होती है। हाँ 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 और अगर मैं कहूँ कि एक टाइम पीरियड है जिसको आप बीसी कह रहे हैं, 30 लाख 3 मिलियन बीसी बिफोर क्राइस्ट एरा, हाँ हाँ 30 मिलियन से और अभी मान लीजिए कि 2021 चल रहा है, तो ये मतलब 30 लाख पहले से अभी तक 21 तक, हाँ एक तो 30 लाख उसमें जोड़ेंगे है ना आप, प्लस 2021 जोड़ेंगे, ठीक है? नहीं तो ये जीरो कहने का मतलब बीच में ये जैसे 30 लाख पूर्व हो गया। हाँ हाँ जीरो भी है, उसके बाद फिर आगे टाइम चल रहा है। आप देखो यहाँ जीरो, जैसे मान लो कि यहाँ जीरो है ना, आप इसको ऐसे समझो 0 1 2 3 4 5, ठीक है? और फिर हम बात करें -1 -2 -3 -4, तो जब हम 4 मतलब 4 वर्ष पहले यानी 4 BC, ठीक है, 3 BC, 2 BC, 1 BC, 1 के बाद ये जीरो हो गया। हाँ क्राइस्ट का यहाँ जन्म हो रहा है। अच्छा रेफरेंस क्राइस्ट हो गया। हाँ रेफरेंस क्राइस्ट हो गया। अच्छा रेफरेंस से पीछे अगर जाएं उनके उनके मतलब उनके जन्म से पहले की बातें करें, हाँ बीसी करेंगे, बीसी में करेंगे, आगे की बात करेंगे तो एडी में बात करेंगे या सी में बात करेंगे, कॉमन एरा। और बीपी जो बात करेंगे इसमें 1950 से पूर्व हम बात करते हैं। ठीक है, देखो मैंने इसे इसमें मैंने जो फर्स्ट डे इंटरेक्शन किया था उसमें मैंने पाया था कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एकदम न्यू कमर हैं, ठीक है, आप शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि बेसिक ही जानकारी स्टूडेंट को नहीं होती है, और बेसिक जानकारी नहीं होती है तो फिर आगे वो कन्फ्यूज होता है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जब आप इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास की बात के अंतर्गत आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं एंशियंट, मॉडर्न और मेडाइवल, ये बात करते हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से इतिहास 3 भागों में बांटा जाता है, जिससे क्वेश्चन आएगा और बीपीएससी में क्वेश्चन आया भी है, राइट? तो एक तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखो प्री हिस्ट्री जब हम बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री का मतलब है कि ऐसा पीरियड, ऐसा काल जिसमें लेखन कला का अभाव है, राइट? तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं, है ना? तो इसका एक तो खास तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि एक ऐसा पीरियड जहाँ पर लेखन कला का भाव था हमारे पास, लिखित साक्ष्य उसके लिए नहीं है कि हम उसको पढ़ सकें, सिंपल आप ध्यान में रखिएगा, एक पहला पॉइंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें धातु का उपयोग नहीं है, राइट? इसमें मेटल का यूज नहीं होता था। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं आपको ध्यान में रखना है, एक तो कि इसमें लेखन कला का अभाव था और दूसरा कि इसमें धातु का उपयोग नहीं है। और मोटा मोटी अगर आप देखिएगा इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, मोटा मोटी मैं कह रहा हूँ कि कोई एग्जैक्ट नहीं, तो लगभग 3 मिलियंस है ना बीसी से लेके, या बीसी जो भी आप यूज़ करें बीसी से लेके, और लगभग 3000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड जो है भारत के इतिहास में प्री हिस्ट्री का है, राइट? मोटा मोटी ये ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है कि प्रोटो हिस्ट्री क्या है, तो इसमें लेखन कला का प्रचलन है, लेखन कला का प्रचलन है, राइट?
यानी कि रिटन स्क्रिप्ट, हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट है, लेकिन वर्तमान में हम इसको नहीं पढ़ सके हैं। वर्तमान में हम इसे नहीं पढ़ सके हैं। राइट, ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर लेखन कला का प्रमाण तो मिल रहा, लेकिन वर्तमान में हम इसको नहीं पढ़ सके हैं। और यहाँ धातु का प्रचलन है, धातु का प्रचलन है, लेकिन लौह धातु का प्रचलन नहीं है। लेकिन लौह धातु का प्रचलन नहीं है, ठीक है। अब इस धातु में यहां पर हमें क्या मिलता है, ध्यान ये रखना है कि कांस, ये कांस युगिन है। तांबा भी मिलेगा, सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगा इस पीरियड में। और ऐतिहासिक काल में क्या है कि लेखन कला का प्रमाण है, एवं हम इसे पढ़ने में सक्षम हैं। राइट, तो पहले तो तीन चीज आप ध्यान में रखिए कि एक तो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके लिए हमारे पास लेखन कला का कोई प्रमाण नहीं है। राइट, दूसरा टाइम पीरियड है जिसमें लेखन कला है, और ये टाइम पीरियड जो पॉपुलर टर्म में आप समझिएगा, तो ये टाइम पीरियड जो है हमारा सिंधु सभ्यता जो है, ये प्रोटो हिस्टोरिक है। राइट, एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा कि सिंधु सभ्यता को किसके अंतर्गत, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो सभ्यता है वो आद ऐतिहासिक है, प्रोटो हिस्टोरिक है। बीपीएससी ने यह सवाल पूछा है, तो ध्यान ये रखिएगा कि प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु सभ्यता है, जिसमें लेखन कला का प्रमाण तो मिलता है, लेकिन वर्तमान में हम उसे नहीं पढ़ सके। इसके बाद जो ऐतिहासिक जो पीरियड है भारत में, थोड़ी सी ये विवादग्रस्त है, लेकिन इसके बारे में है कि यह 6th century BC से इसका प्रारंभ माना जाता है, यानी बुद्ध के काल से जो आप पढ़ते हैं, और इन दोनों के बीच में है वैदिक काल, हम लोग अलग से देखेंगे, है ना। तो यहाँ बेसिक बात एक चीज आपको मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो लिखने का तो यहाँ पर प्रश्न नहीं आया। यहाँ पर हमारे पास लेखन कला का प्रमाण है, लेकिन हम पढ़ नहीं सके हैं, और यहाँ पर लेखन कला का प्रमाण है और हम उसे पढ़ सके हैं। तो एक मन में आपका प्रश्न ये आता होगा कि भाई क्या बात है कि इंडस सिविलाइजेशन में जो लेखन कला है उसको हम नहीं पढ़ पाए हैं, और यहाँ पर जो लेखन कला है उसको पढ़ पाए हैं। ये एक बेसिक प्रश्न हर किसी के मन में ये पैदा होता है कि यहाँ पर लेखन कला है लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, और यहाँ पर लेखन कला है उसको पढ़ पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लियर मैं कर देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर लेखन कला जो है ये है पिक्टोग्राफ है, इसकी हिंदी होती है चित्रलिपि। राइट, जैसे आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत जो इंडस सिविलाइजेशन है, उस इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत कई जगह पर इंडस सिविलाइजेशन के लिपि को, मुहरों पर जो लिपि उत्कीर्ण है उसको दिखाया गया है। तो उसमें क्या है, चित्र बना हुआ है ना, कुबरदार सांड का चित्र बना हुआ है, अदर अदर जो जानवर हैं या साइन है वो चित्र बना हुआ है। तो ये चित्रलिपि में है,
और ऐसे चित्र हैं जिसमें कोई एडवांसमेंट नहीं है। देखो तो चित्रलिपि को भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन इसमें एडवांसमेंट नहीं है, पहला चीज तो ये है कि प्रोग्रेसिव वे, जैसे जो चित्रलिपि हमको मिल रहा इंडस सिविलाइजेशन में, वो शुरू से मिल रहा उसी तरह का मिल रहा, उसमें कोई एडवांसमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर इसमें एडवांसमेंट होता तो हम पढ़ने का प्रयास करते तो सक्सेस हो सकते थे, राइट? लेकिन इसमें कोई एडवांसमेंट नहीं है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्यों हम इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है जिसमें इस तरह की लिपि आज के डेट में प्रचलित है। यानी कि अगर कोई ऐसा सोसाइटी हो जिसमें इस तरह की लिपि प्रचलित हो तो हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आज के डेट में कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है जो इस प्रकार के लिपि का इस्तेमाल करता हो, और इसलिए वर्तमान में हम इस लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। अब आते हैं यहाँ, तो देखो ऐतिहासिक काल में जो लिपि का साक्ष्य जो हमारे पास मिला है, राइट, ये मौर्य पीरियड का है। ध्यान ये रखना है कि मौर्य पीरियड से, मौर्य काल से हमें जो है लिपि का साक्ष्य मिल रहा है, और मौर्य काल से जब लिपि का साक्ष्य आप देखोगे तो इसके अंतर्गत थोड़ी सी ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2-3 साल से भी पढ़ रहे हैं और उनका क्लियर कॉन्सेप्ट इस पे नहीं होता है कि क्यों वहाँ पर पढ़ा जा सका और उसके पहले नहीं पढ़ा जा सका। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रमाण मिल रहा है ये, हाँ बताइए, ये सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता का जो आपका आगे हम उस पर बात करते, ये C14 है ना, हम डेटिंग मेथड के बारे में भी आपसे बात करेंगे, कार्बन डेटिंग पद्धति जो है इससे सिंधु सभ्यता का डेटिंग है 2350 से 1750 BC, ठीक है, BC या BCE जो भी आप यूज़ करें। ऐसे माना जाता है आम तौर पर कि ये 2600 से 1800 BC के बीच इसका जो मैच्योर्ड पीरियड है वो पीरियड यहाँ तक 2600 से 1800 BC तक था। वैदिक काल जो है इसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक तो ऋग वैदिक, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्लियर होगा भी, इसको मानते हैं 1500 से 1000 BC, ठीक है, और दूसरा इसको डिवाइड करते हैं उत्तर वैदिक, राइट, इसको 1000 BC से 600 BC, कहीं कहीं आपको 500 BC भी मिलेगा, ठीक है, और ये इंड कर रहा तो उसको बोलते हैं 6th century BC, ठीक है, तो उसको जब इंड करता है तो उसको 6th century BC हम बात करते हैं। फिर हम आते हैं टॉपिक पर जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, और ये किसी का ये ऑडियो जो है आप ओपन है उसको अनम्यूट म्यूट कर लीजिए, है ना, हाँ बताइए, और किसी का कोई प्रश्न है, किसी का और कोई प्रश्न है, मैं आगे बढ़ूँ कंटिन्यू करूँ? तो देखिए ध्यान ये रखिए कि मैं बात क्या कर रहा था, लेखन कला का, तो एक तो मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता में क्यों नहीं पढ़ सके। यहाँ पर जो हमको लेखन कला का साक्ष्य मिल रहा, ये ऐसा साक्ष्य जो जिसे हम पढ़ सके ये मौर्यन पीरियड का है, राइट, ये मौर्य काल का है, और मॉडर्न पीरियड में अधिकांश तो हमको अशोक के काल का मिला है, मेजर जो है अशोक के काल का है, लेकिन चंगुत मौर्य के भी दो अभिलेख हमें मिले हैं चंगुत मौर्य काल के, ठीक है, एक तो है महास्थान अभिलेख,
और दूसरा सागौरा अभिलेख है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि देखो क्या है कि इतिहास के अंतर्गत बहुत फैक्ट्स है और बहुत सारे फैक्ट्स से पढ़ने के बाद लोगों को याद नहीं रहती है। आप उसको कंपरेटिव वे में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ये महास्थान अभिलेख और सागौरा अभिलेख दो इम्पॉर्टेंट अभिलेख है। ये महास्थान अभिलेख के जो है आपका बांग्लादेश से प्राप्त, आज के डेट में वो बांग्लादेश में है महास्थान, पहले भारत में ही था, ठीक है, लेकिन अब ये बांग्लादेश में चला गया है। और ये सागौरा जो है आपका गोरखपुर के पास है। और इन दोनों अभिलेख का इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अकाल पड़ने की सूचना मिलती है, यानी इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अकाल पड़ी थी। जबकि मेगास्थनीज की इंडिका जब आप पढ़ेंगे तो मेगास्थनीज कहता है कि मौर्य काल में अकाल नहीं पड़ते थे, ठीक है। तो अकाल की सूचना जो है हमें महास्थान एवं सागौरा अभिलेख से मिलती है। इस रेफरेंस को मैंने इसलिए बता दिया कि इतिहास की जब फैक्ट की बात करेंगे तो आप अगर बैठ के अगर फैक्ट्स को रिमेंबर करने का प्रयास करेंगे तो आप कभी रिमेंबर नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी समस्या इतिहास में स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि अगर आप बैठ के फैक्ट्स को रिमेंबर करने का प्रयास करोगे तो आप रिमेंबर नहीं कर पाते हो, आपको रेफरेंस में भी रिमेंबर करना है और तब जाके याद आपको होती है। मैं बात कर रहा था लिपि के विकास की। अब देखो लिपि का जो विकास है अशोककालीन लिपि, आगे के टॉपिक में भी हम बात करेंगे कि चार प्रकार के लिपि का इस्तेमाल अशोक के काल में किया गया है, जो कि ब्रह्मी है, क्रोस्टी है, अरमाइक है और यूनानी है। तो एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि अशोक की जो लिपि है इसमें ज़्यादा जो है ब्रह्मी है, राइट? मैं बता रहा हूं कि क्यों हम पढ़ सके और क्यों सिंधु सभ्यता में हम चीजों को नहीं पढ़ सके। तो अशोक की लिपि क्या है, यहां द्विभाषीय लिपि मिली है। एक चीज तो यह ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने कहा चार भाषा में, दो तो आप छोड़ दीजिए, चार भाषाओं में अशोक की अभिलेख मिली है, लिपि मिली है, तो एक से अधिक भाषा में लिपि मिली है। तो एक भाषा दूसरी भाषा को अगर हम पढ़ लें तो दूसरी भाषा को भी हम पढ़ सकते हैं जिसको हम नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे कि यूनानी भाषा को पहले से ही पढ़ लिया गया था, अशोक के अभिलेख में भी यूनानी भाषा मिलती है, तो उसके आधार पर भी जो अशोक के जो लिपि हैं उस लिपि में जो शब्द यूज किए गए हैं उसको पढ़ने में सहूलियत मिली। फिर अरमाइक भी है, अरमाइक पहले ही पढ़ा जा चुका था, खरोष्टी पहले ही पढ़ा जा चुका था। तो इस कारण से जब 1837 ईस्वी में, ये एक फैक्ट मैं यहीं बताता हूँ आपको, जेम्स प्रिंसिप, देखो मैंने पहले दिन ही कहा था कि कम से कम 50 फैक्ट्स हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे पर डे, कम से कम, राइट? और अगर आप इतना तैयारी करते हो तो आप जीएस में आप किसी तरह का एग्जाम जो होगा उसमें आप कंफर्टेबल रहोगे। तो जेम्स प्रिंसिप 1837 में पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ते हैं। तो एक तो ये कारण मैंने बताया, दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण आपको मैं बता रहा हूँ कि जब ब्रह्मी लिपि हम पढ़ते हैं तो इसमें क्रमिक विकास हो रहा, जो कि सिंधु सभ्यता में हमने कहा क्या कि नहीं विकास था। और तीसरा है कि केलियोग्राफी में है, केलियोग्राफी का मतलब अक्षर में लिखा हुआ, ये चित्र नहीं है, अक्षर में लिखा हुआ है। तो जैसे अशोक के अभिलेख में हम कहते हैं क, जो आप लिखते हैं क, ये इस तरह से लिखा हुआ अशोक के अभिलेख में, बस क का फॉर्मेट ये अशोक के अभिलेख में है। और मौर्योत्तर काल में जाइएगा तो ये क थोड़ा सा घूमता है, गुप्त पीरियड में और घूमता है, और गुप्तोत्तर पीरियड में जा करके ये क ऐसे हो जाता है। और इसी से देवनागरी का विकास हुआ है। आजकल जो हम लोग देवनागरी यूज़ करते हैं जो लिपि हिंदी लिखने के लिए,
तो ये ब्रह्मी से ही देवनागरी का विकास हुआ है। तो अगर हमें लिपि को पढ़ना है तो इधर से न चलकर इधर से भी पढ़ेंगे तो पढ़ जाएंगे लिपि को, राइट। और इसलिए अशोक के लिपि को पढ़ने में हम सक्षम रहे। अब देखो इसमें एक जो समस्या आपको ध्यान में ये रखना है कि अशोक की लिपि कब है, ये 3rd century BC में मिल रहा, 3rd century BC में मिल रहा, और हम कह रहे हैं कि भारत में लेखन कला का प्रमाण 6th century BC से मिल रहा, राइट। यानी 6th century BC को हम ऐतिहासिक पीरियड के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो 6th century BC को ऐतिहासिक पीरियड के अंतर्गत आप शामिल करते हैं तो क्यों करते हैं, पहला तो सवाल क्यों करते हैं। तो एक के मतलब इतिहासकारों का ये मानना है कि ठीक है, अशोक की जो लिपि है वो अशोक की लिपि 3rd century BC में लिखी गई, लेकिन इससे लिपि का क्रमिक विकास हुआ है, तो हो सकता है इस लिपि का विकास 200-300 वर्ष पहले से ही शुरू हो गया हो और वो किसी ऐसे चीज़ पर लिखा जाता हो जिसको हम जो नष्ट हो गई समय के साथ, जो नष्ट हो गई, क्योंकि अशोक की लिपि तो पत्थर पर लिखी हुई है, तब हमें जानकारी प्राप्त है कि लिपि इस तरह से है उस पीरियड का। तो हो सकता है कि उसके पहले एक ऐसी चीज़ पर लिखते हों जो कि समय के साथ नष्ट हो गया और इसलिए हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि किसी ने पूछा कि बीच में वैदिक काल है, तो वैदिक काल को पहला प्रश्न तो इसमें क्या किसमें रखेंगे, तो ये ट्रांजिशनल फेज में रहेगा, ट्रांजिशनल फेज, संक्रमण का फेज है, दोनों के बीच के पीरियड को हम संक्रमण का काल कहते हैं, संक्रमण का काल, दोनों के बीच का जो पीरियड होता है उस पीरियड को हम संक्रमण का काल कहते हैं। एक चीज आमतौर पर स्टूडेंट के बीच, कई बार मैंने वैसे स्टूडेंट के साथ भी इंटरेक्ट किया है जो कि मेंस लिखे भी हैं, और उनसे भी पूछा कि क्या वैदिक पीरियड में लेखन कला का प्रचलन था, तो कई लोगों ने जवाब दिया कि लेखन कला का प्रचलन था। एक चीज ध्यान ये रखना है कि वैदिक काल में, जो वैदिक काल है इसमें लेखन कला का प्रचलन नहीं था, ये बात ध्यान में रखना है कि इसके समय में लेखन कला का प्रचलन नहीं था। जो वेद है वो मौखिक रूप में सोसाइटी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा, न कि लिखित रूप में, और उसका लेखन जो है वो जाकर के गुप्ता पीरियड में होता है। तो पहला तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये लेखन कला का इसमें कोई प्रमाण नहीं है। रचना हुई है, वेदों की रचना और वेदों को लिखना दोनों एक बात नहीं है, ध्यान ये रखना कि मान लो कि आप कविता लिखते हो तो कविता आपने रचना किया और उस समय लिखने का कोई आइडिया डेवलप नहीं हो, और वो कविता एक जनरेशन ने याद किया, फिर दूसरी जनरेशन ने याद किया, फिर तीसरी जनरेशन ने याद किया, और इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में वो आगे गई। यही परंपरा हमारे देश में रामायण और महाभारत जो हमारे महाकाव्य हैं, आगे हम बात करेंगे, तो उन महाकाव्यों को भी जिस समय उनकी रचना हुई है उस समय नहीं लिखा गया है, वो बाद के दिनों में लिखे गए हैं। लेकिन वैदिक पीरियड में, खासकर उत्तर वैदिक पीरियड में आप देखोगे तो ये लौह धातु का प्रयोग कर रहे हैं उत्तर वैदिक पीरियड में, राइट। ये कब कर रहे हैं? उत्तर वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक में नहीं, राइट। तो इस कारण से इसको दोनों के बीच में एक संक्रमण का फेज में रखते हैं, और इस तरह से इतिहास के अंतर्गत हम लोग तीन महत्वपूर्ण कालों में इतिहास के चीज़ों को विभाजित करते हैं तकनीकी आधार पर, और इसकी समझ आपको रखनी है। अब इतिहास जब पढ़ते हैं तो इतिहास के अंतर्गत, जैसा कि हमने कहा कि बेसिक जो चीज़ आपको समझना है उसमें के काल के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तो काल का निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे डिटरमिनेट करेंगे काल को, तो काल का निर्धारण के संदर्भ में एक दो चीज़ मैं यहाँ बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, हालांकि जो है
काल निर्धारण की जो विधि है वो कई है, राइट, कई विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी विधियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं, और इसलिए हम लोग बात करेंगे एक दो महत्वपूर्ण विधि का। लेकिन इसको आमतौर पर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि है ना, और दूसरा निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधि। है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव डेटिंग मेथड एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, राइट। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ डेट इन हिस्ट्री, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, राइट। अब देखो सापेक्ष जो है ये क्या है, किसी के परिपेक्ष में, तो किसी के परिपेक्ष में यानी कि इससे एग्जैक्ट डेट का निर्धारण नहीं होता है, ध्यान रखना कि इससे एग्जैक्ट पूरी तरह से डेट का निर्धारण नहीं होता है, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंस है क्योंकि इसके अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण डेटिंग मेथड स्तरीकरण का उपयोग करते हैं, स्टेटियोग्राफी। जैसे देखो अगर हम बात करें, हमने तीन पीरियड में बांटा आपके इतिहास की जो चीज़ें हैं उसको, एक हमने बांटा किस चीज़ में के प्री हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो प्री हिस्ट्री का अध्ययन जब आप करेंगे तो टोटल ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर आधारित हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, राइट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर आधारित है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम उत्खनन करते हैं, ठीक है, और उत्खनन करते हैं तो जब वर्टिकल उत्खनन करते हैं तो वर्टिकल उत्खनन करने के क्रम में हम स्तर का निर्धारण करते हैं, और उसमें जो नीचे का स्तर है वो सबसे पुराना, उसके बाद वाले, इस आधार पर भी हम किसी पीरियड का काल का निर्धारण करते हैं, क्योंकि प्रीहिस्टोरिक के जो स्थल है उसका भी उत्खनन हम करते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक स्थल का भी उत्खनन करते हैं, और हिस्टोरिकल पीरियड के स्थल का भी उत्खनन करते हैं, तो उसके आधार पर भी हम काल का निर्धारण करते हैं, राइट। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि वैदिक काल जो है वो सिंधु सभ्यता के बाद का काल है, और सिंधु सभ्यता उसके पूर्ववर्ती काल है, तो एग्जैक्ट इससे चीज़ें नहीं होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है। एब्सोल्यूट डेटिंग में क्या होता है कि साइंटिफिक डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें एक सबसे पॉपुलर डेटिंग मेथड है C14 डेटिंग मेथड, राइट, C14 डेटिंग मेथड, राइट। और इससे डेटिंग मेथड का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इतिहास के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से मैं आपसे, आप याद रखोगे कि जो प्री हिस्ट्री है ना, और प्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि प्री हिस्ट्री में लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, राइट, ये पांच पीरियड है, सब पीरियड के रूप में उसको डिवाइड करते हैं। ये तो बहुत पुराना है, यानी जो 3 मिलियन ईयर्स एगो से आप कह रहे हो कि 1 लाख के जो BC के करीब का जो पीरियड है वो लगभग इसका है, और मिडिल पैलियोलिथिक भी लगभग 1 लाख से लेके भैरी करता है, कोई एग्जैक्ट इसका डेटिंग नहीं होता, लेकिन बहुत पुराना है।
यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि C14 से अधिकतम 70,000 वर्ष, अधिकतम 70,000 वर्ष की वस्तु का, वस्तु के काल का निर्धारण होगा, राइट? तो ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जहां पर मनुष्य का उद्भव हो रहा और उद्भव के साथ उसका विकास हो रहा, ये इस पीरियड से बाहर है। तो कभी ऑब्जेक्टिव ये बना दे कि लोअर पैलियोलिथिक जो पीरियड है, जिसको निम्न पुरापाषाण काल के रूप में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो वस्तुएं मिल रही है उसका डेटिंग कैसे करेंगे एब्सोल्यूट डेटिंग से, तो इसका ध्यान में रखना है कि इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम ऑर्गन विधि, राइट? बाकी के लिए C14 डेटिंग मेथड से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए C14 मेथड कभी अगर प्रश्न पूछे कि क्या सभी काल का इससे हम कर सकते हैं, क्योंकि BPSC ने एक सबसे बड़ा मतलब चीज़ क्या डाल दिया है, जब से पांचवा जो विकल्प है, पहले 4 विकल्प होता था ABCD, अब एक पांचवा विकल्प कर दिया E, और उसमें जोड़ दिया है कि इनमें से एक से अधिक और या इनमें से कोई नहीं, राइट? तो अगर आपसे पूछ दे कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का डेटिंग किया जाता है, ठीक है, आपसे पूछ दे, उसमें ऑप्शन दे दे C14 मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, डेंडोक्रोनोलॉजी, राइट, इस तरह के कई चीज़ें दे दे, ठीक है, यूरेनियम थोरियम मेथड, तो आप ये अगर नहीं जानते हैं तो आपको लगेगा कि अरे C14 तो सब में डेटिंग होती है इसका, आप इसको कर देंगे और फिर वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो एक बेसिक चीज़ तो आपको यहाँ पर ये भी समझनी है। उसके बाद काल निर्धारण के बाद हम लोग अब आते हैं टॉपिक पर, जो कि पहले से हमने आपको बता रखा है। और देखिए, आप ये टॉपिक जरूर पढ़िएगा, आप लोग NCERT बुक जरूर पढ़िएगा, अगर आप चाहते हैं कि एक बार में ही हम क्वालिफाई कर जाएं, तो आप NCERT बुक जरूर पढ़िएगा। NCERT बुक अगर आप पढ़ के रहेंगे तो फिर जो है आपका बेहतर तरीके से मतलब तैयारी भी होगा और आप पास भी कर जाएंगे, क्योंकि आप तब बातों को समझेंगे। और मेरा टारगेट क्या है कि अगर एक क्लास में हम लोग बात करें तो कम से कम 50 फैक्ट आपको मिल जाए, राइट? और वो रिमेंबर होगी। देखो, आप अगर उसको तुलनात्मक रूप में या रेफरेंस के रूप में कहीं कहीं इस्तेमाल करके करोगे तो आपको ये बातें याद हो जाएंगी, राइट? अब देखो कि इसके बाद हम लोग टॉपिक पर आ रहे हैं, और ये टॉपिक हमारा है प्रीहिस्ट्री। राइट, प्राक इतिहास। अब देखो, ऑब्जेक्टिव में प्राक इतिहास से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, खासकर GS में। कभी एक आध चीज पूछ देगा, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन आपको कम आते हैं। तो क्वेश्चन कम आते हैं तो हम लोग शॉर्ट में ही इसको समझने का प्रयास हम लोग करें, और शॉर्ट में हम लोग समझने का अगर इसका प्रयास करते हैं तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से कहां कहां पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकती है। देखो, इतिहास और ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो बहुत बड़ा सेक्शन है, इसके पहले की क्लास में भी हमने बातें किया था। तो उन बड़े सेक्शन को अगर आपको तैयार करना है तो आपको अपने लिमिट को निर्धारण करना पड़ता है, और फिर हमें क्वेश्चन को देखना पड़ता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और उसके हिसाब से हम रणनीति तय करते हैं कि कहां पर हम कितना समय दें। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या कैसे आ सकता है, ठीक है? तो देखो, प्री हिस्ट्री जो है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मानव के सांस्कृतिक उद्विकास की प्रथम अवस्था, सांस्कृतिक उद्विकास की प्रथम अवस्था है, राइट?
और ये सांस्कृतिक उद्विकास की जो प्रथम अवस्था है, तो आप बायोसाइंस में, एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ते हो कि मनुष्य का बायोलॉजिकल उद्विकास कैसे होता है, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सांस्कृतिक उद्विकास कैसे होता है। तो सपोज करो कि आप अपने दिमाग में ये बात रखते हो कि जो मनुष्य है, वो मनुष्य जो है कपि से मनुष्य का उद्भव हुआ, ये आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। एप, एप और बंदर में अंतर होता है। तो आखिर उसके बाद क्या क्या हो रही है घटनाएं, कैसे हम आज 2021 में पहुँचे, इसको समझने के लिए किसी भी कालखंड को अगर आप समझने का प्रयास करोगे, और ख़ास करके प्री हिस्ट्री को समझने का प्रयास करोगे, तो उस समय की जो इकोलॉजी है और उस समय के इन्वायरमेंट की जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो एक फैक्ट याद आपको यहाँ पर रखना है, जो कि ये अगर आप ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का जो बुक है एनसीईआरटी का, तो उसमें आप पढ़ोगे कि अर्थ का जो उद्विकास हो रहा, उसका एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। अर्थ की उद्विकास को कई एराज में बांटा गया है, और अर्थ के उद्विकास का जो लास्ट एरा है, लास्ट एरा हम कह रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक आप देखोगे उसमें लिस्ट बना हुआ है, और ये फर्स्ट चैप्टर के पहले ही बना हुआ है, आप ध्यान से देखोगे मिल जाएगा। और उसका लास्ट जो एरा है, वो लास्ट एरा है सेनोजोइक एरा। ज्योग्राफी में भी हमें ये ध्यान में रखना है। कई बार क्या करना है आपको कि आप इतिहास पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो एक चीज़ें दूसरे में रिलेट होती है, और एक चीज़ें दूसरे में रिलेट होती है तो उसके हिसाब से भी आपको रिमेम्बर होगी। और ये जो सेनोजोइक एरा जो है, ये लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो शुरू होता है, और इसको दो पीरियड में हम लोग बांटते हैं, एक तो टर्शियरी पीरियड, इसको बोलते हैं तृतीयक काल, और दूसरा हम बांटते हैं चतुर्थक काल, क्वार्टरनरी पीरियड, चतुर्थक काल, राइट। ये टर्शियरी पीरियड फिर कई भागों में बटेगा, लेकिन ये शुरू होता है 65 मिलियन बीसी से लेके लगभग 3 मिलियन, देखो यहां लगभग है, किसी किताब में 5 मिलियन भी दिखाएगा, और ये 3 मिलियन से प्रेजेंट तक, राइट। इसको दो भाग में बांटा जाता है, दो युग में, इपोच में, उसमें एक कहते हैं प्रतिनूतन युग। ये ज्योग्राफी में पढ़ना है, ज्योग्राफी जीएस जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, और दूसरा बोलते हैं नूतनतम युग। नूतनतम युग ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्री हिस्ट्री पढ़ने का प्रयास करोगे, प्री हिस्ट्री समझने का प्रयास करोगे, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी ही नहीं बिना इसको समझे, राइट। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लीस्टोसीन इपोच, और इसको बोलते हैं होलोसीन इपोच, राइट, प्लीस्टोसीन इपोच और होलोसीन इपोच। और ये प्लीस्टोसीन जो इपोच है, जिसको प्रतिनूतन युग हम बोलते हैं, ये शुरू होता है 3 मिलियंस ईयर्स एगो। तो जब प्री हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो प्री हिस्ट्री पढ़ने के दौरान आपको ध्यान में रखना है पहला चीज कि प्रतिनूतन युग। इसका क्यों मैं बता रहा हूं, इसका रेफरेंस आपको समझ में अभी आ जाएगी, प्लीस्टोसीन ये पोच, और दूसरा जो है नूतनतम युग, होलोसीन इपोच, राइट। और ये शुरू होता है 10,000
लगभग लगभग में ही बात करनी है, ठीक है। 10,000 BC से ये प्रेजेंट तक है, वर्तमान तक, अभी भी हम लोग होलोसिन में ही जी रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्लीस्टोसिन जो इपोच है इसकी क्या विशेषता है, तो इस समय अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, इस पर एक घटना हो रही है, ग्लेशिएशन, इसकी हिंदी होती है हिमायन। हिमायन का मतलब है, व्यवहारिक मतलब इसका क्या है कि बर्फ की बारिश हो रही है, लगातार बर्फ की बारिश हो रही है। और जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप पढ़ते हो कि पृथ्वी आग का गोला था, कुछ दिन पूरा उसके बाद भाप बन गया, फिर वर्षा होने लगा, तो यहाँ हिम की वर्षा हो रही है एक तरफ, और दूसरा तरफ है प्लूविएशन, इसको वर्षायन बोलते हैं, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है मेन रूप से, और ये खास करके जो इक्वेटर का इलाका है उस पर हो रहा है, और इसी युग में मनुष्य का उद्भव होता है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड है 3 मिलियंस BC से 10,000 BC, ठीक है, 3 मिलियन BC से 10,000 BC। अब यहीं पर मनुष्य का उद्भव होता है, राइट। अब सोचो इस बात को, आपको ध्यान में रखना, क्यों मैं ये बता रहा हूं, इसका रेफरेंस आपको समझ में आएगी, कि मनुष्य अगर 3 मिलियन ईयर्स एगो पैदा हुआ, तो मनुष्य अगर 3 मिलियन ईयर्स एगो पैदा हुआ, तो 3 मिलियन यानी 30 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व आने में इसका एक लंबा समय लगा, और इस पूरे समय में मनुष्य क्या है, इस पूरे समय में मनुष्य क्या है, शिकारी संग्रह करता है, ध्यान ही रखना, ये शिकार करता था, संग्रह करता था, ये लगभग 30 लाख मिलियन ईयर्स एगो से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक ये शिकार और संग्रह नहीं करता था, खेती नहीं करता था, खेती का उद्विकास नहीं हुआ था, कृषि का उद्विकास नहीं हुआ था। वर्ल्ड पैमाने पर, वर्ल्ड के अगर न्यूलिथिक पीरियड को आप पढ़ोगे, इसके अंतर्गत दो है जिसकी चर्चा हमें करनी है, एक तो मेसोलिथिक और दूसरा न्यूलिथिक, और भारत के संदर्भ में देखोगे तो 7,000 BC यहां से इस पीरियड में कृषि का विकास हुआ, राइट। और मेसोलिथिक में लगभग 10,000 BC के करीब यहां पर पशुपालन का विकास हो रहा, ये बस याद रखना है, मैं इस पे ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो चीजों को जब साइंटिफिक वे में समझती हैं, साइंटिफिक वे में समझेंगे तो फिर क्या होता है कि हमें चीज़ें रिमेंबर रहती है, अदरवाइज चीज़ें रिमेंबर नहीं रहती है, और हमें लगता है कि इतिहास के अंतर्गत हमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स ही याद करना पड़ता है, और फैक्ट्स याद नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ जो पीरियड है, इससे बीच वाली जो पीरियड मैं कह रहा हूँ, 3 मिलियन ईयर्स से लेके वर्तमान दे मतलब 10,000 BC तक, इसको हम लोग पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, प्रीहिस्ट्री के अंतर्गत पेलियोलिथिक काल, जिसको हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, राइट। और यहां पर मनुष्य क्या कर रहा, शिकार एवं संग्रहण, राइट। अब देखो एक सिंपल सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि 7000 BC में ही आकर के इंडिया में, या वर्ल्ड पर जाओगे तो 10000 BC में ही खेती का विकास क्यों हुआ, यानी खेती का विकास इतने वर्षों में क्यों नहीं हुआ,
है ना, होना चाहिए था। इतने वर्ष से हम इस धरती पर हैं, मनुष्य इस धरती पर है, और इतने वर्षों में खेती का विकास नहीं हुआ, और 10,000 वर्ष से पूर्व जो है वर्ल्ड पैमाने पर इंडिया में सबसे पहले 7,000 BC में मिलता है खेती का विकास। तो एक तो क्यों हुआ, और दूसरा कि जब हम 7,000 BC में खेती का विकास किए, कृषि का विकास किए, तो 2021 में हम लोग हैं, इस 9,000 वर्ष में मनुष्य चांद पर चला गया है ना। आप मंगल पर जाने क्या सोच रहे हो, क्या वजह है? कई बार इंटरव्यू में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आप बताइए कि पहले खेती क्यों नहीं हुआ, राइट, क्या वजह था? तो उसका साइंटिफिक कॉज आपको बताना है। साइंटिफिक कॉज उसका ये है कि इस समय का जो प्रतिनूतन युग की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी है, उससे जलवायु पर्यावरण पारिस्थितिकी में खेती यानी कि अनाज पैदा करने वाले फसलों का उद्भव ही नहीं हो सकता था। ध्यान रखना, इसका उद्भव ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप पढ़ोगे ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप पढ़ते हो कि गेहूं के उत्पादन के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, औसत टेम्परेचर, चावल के उत्पादन के लिए इतना औसत टेम्परेचर चाहिए, मटर के उत्पादन के लिए इतना औसत टेम्परेचर चाहिए। तो जो क्रॉप है, अलग अलग क्रॉप है, उसके उत्पादन के लिए टेम्परेचर एक औसत चाहिए, और यहाँ पर तो टेम्परेचर इतनी बर्फ़ की बारिश हो रही थी, लगातार बर्फ़ की बारिश हो रही थी। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि जो मनुष्य है वो माइनस डिग्री में जी रहा, उसमें वो अपने आप को बचा रहा और बचाने का प्रयास कर रहा, माइनस डिग्री में मैं कह रहा हूँ कि वो बचा रहा और बचाने का प्रयास कर रहा। यहाँ पर एग्रीकल्चर का कोई स्कोप नहीं था, राइट, और इसलिए जो सांस्कृतिक विकास हमारा है, वो सांस्कृतिक विकास का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो है, बहुत ही स्लो प्रक्रिया है सांस्कृतिक विकास का, बहुत धीमी गति से हम लोग आगे की ओर विकास कर रहे हैं। तो इसका एक साइंटिफिक तो वजह तो ये है कि यहाँ पर जिस तरह से खेती के लिए जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग जो प्लांट है उसके डेवलपमेंट के लिए जिस तरह के इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, उस तरह के इन्वायरमेंट यहाँ पर नहीं थे, और उस तरह के इन्वायरमेंट नहीं थे इसलिए वो उनका उद्भव ही नहीं हुआ था, राइट। और ये जैसे ही प्लीस्टोसिन से हम लोग होलोसिन में आते हैं तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, राइट, और क्लाइमेट स्टेबल हो जाता है, गर्म हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। तो स्टेबल हो जाता है, गर्म हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, इसके कारण क्या होता है कि अब विल्ड ग्रेन प्लांट का उद्भव होता है। ध्यान ये रखना है, यानी अपने आप स्वाभाविक रूप से जंगल में ऐसे पौधों का उद्भव होता है जो कि अनाज उत्पन्न करते थे, यानी गेहूं, चावल, मटर, मसूर, जिसकी मतलब हम लोग खेती करते हैं, वो पहली बार इस धरती पर इस नूतनतम युग में आ रहा। और इसलिए मनुष्य जो है, इसलिए जो मनुष्य है वो यहाँ पर खेती नहीं कर रहा, क्योंकि खेती के लिए यहाँ इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं था। अब देखो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, और इसके लिए आपको बहुत अगर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे तब जाके आपको निकल पाएगा, राइट। तो एक तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया, हम लोग इंडिया की बात करेंगे, प्री हिस्ट्रिक वर्ल्ड भी है, तो चूंकि GS के लिए वर्ल्ड का प्री हिस्ट्री हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इंडिया का पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का। तो इसको पहले डिवाइड आप कर लीजिए, है ना, ये डिवाइड है मेन रूप से, एक तो पेलियोलिथिक पीरियड,
और दूसरा मेजोलिथिक, और तीसरा नियोलिथिक, है ना। हिंदी में पेलियोलिथिक को पुरापाषाण, इसको मध्यपाषाण, और इसको नवपाषाण। तीन में आप डिवाइड कर लोगे, और फिर ये जो पेलियोलिथिक है इसको फिर तीन भागों में इसका बंटवारा करते हैं। एक हम कहते हैं लोअर पेलियोलिथिक, इसकी हिंदी में लिखते हैं निम्न पुरापाषाण, ठीक है। दूसरा हमारा होता है मध्य पुरापाषाण, और तीसरा होता है उच्च पुरापाषाण। राइट। अब ध्यान ये रखना कि चूंकि आप जीएस के लिए मैंने कहा कि बहुत कम चांस होती है, बहुत कम संभावना होती है क्वेश्चन आने की इस टॉपिक से, लेकिन जब हमें तैयारी करते हैं, किसी विषय की तैयारी करते हैं, तो किसी विषय की तैयारी का मतलब है कि समग्र तैयारी करें कि हमारी समझ भी डेवलप हो कि हम कर क्या रहे हैं। राइट। क्योंकि जब अगर आपकी समझ नहीं डेवलप हुई तो फिर आप वे रट्टा मार रहे हैं, रट रहे हैं, और फिर बाद में भूल जा रहे हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस है जिसमें आपकी समझ डेवलप हो, तो उसके हिसाब से आप इसको समझने का प्रयास करो। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा, ध्यान से आप याद रखोगे, ज़्यादा डिटेल मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा कि मनुष्य का उद्भव भी हो रहा, जैसा कि ये पीरियड क्या है, 3 मिलियन ईयर्स एगो वाला पीरियड है, 3 लाख वर्ष पूर्व जहाँ पर मनुष्य का उद्भव कपि से होता है। तो कपि से मनुष्य का उद्भव होता है, तो इस पीरियड में क्या क्या इम्पॉर्टेंट मनुष्य ने आविष्कार किया जिसके माध्यम से वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, और कुछ इम्पॉर्टेंट आविष्कार हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें सबसे पहले तो हमें पत्थर का हथियार, और दूसरा आग का आविष्कार। अब कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, और कुछ पुस्तकों में भी इस तरह की गलतियां हैं, ध्यान में रखना है कि कई ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें आग के आविष्कार को नवपाषाण काल में लिख दिया है, और उसको पढ़ के स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। आग का आविष्कार आपको यहां पर हो रहा है ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, और मनुष्य के जीवन में आग का आविष्कार बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा, देखो हमने क्या कहा कि इस समय ग्लेशिएशन है, बर्फ़ की बारिश हो रही है, टेम्परेचर 20 डिग्री 30 डिग्री माइनस में है टेम्परेचर, और उसमें मनुष्य सर्वाइव कर रहा, इसी बीच मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया, और आग के आविष्कार के माध्यम से मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन कर रहा है, और साथ ही साथ पत्थर का जो हथियार बना रहा। तो इस पत्थर के हथियार जो हैं को यहाँ पर हम दो टर्म यूज करते हैं कि पेबुल पर बने, याद रखना है। जैसे क्वेश्चन कभी पूछेगा, मैं कह रहा हूँ कि आमतौर पर नहीं आता है, लेकिन कभी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न पुरापाषाण काल के लोग किस चीज़ पर हथियार का निर्माण करते हैं, है ना। तो पत्थर का, एक तो जनरल सभी पत्थर का हथियार बनाएंगे, क्योंकि सब पाषाण काल है, ये पूरे पीरियड पाषाण काल है, इसमें धातु का कहीं हमारे पास प्रमाण नहीं है, तो सारे पाषाण काल हैं, तो सभी पत्थर के हथियार का निर्माण करेंगे। लेकिन पत्थर का भी टाइप होगा ना, तो पेबुल पर बने और क्रूड पर बने, ये दो चीज याद रखना है कि पेबुल पर बना हुआ हथियार और क्रोड पर बना हुआ हथियार हमको कहाँ से मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से,
राइट। दूसरा जो हथियार है इसका नाम याद रखना है, ठीक है। तो हथियार यहां पर क्या है, हैंडेक्स क्लीवर, ये दो महत्वपूर्ण हथियार आपके पास है, हैंडेक्स और क्लीवर, है ना। जैसे आप एनसीईआरटी पुस्तक देखोगे तो उसमें इसके फिगर भी बने हुए मिलेंगे। तो ये दो तरह के हथियार का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं और आग का आविष्कार कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मैंने कहा कि ये क्या पीरियड है, मनुष्य के सांस्कृतिक उद्विकास भी हो रहा और जैविक उद्विकास भी हो रहा। तो भारत में फॉसिल्स मिला है जीवाश्म इस पीरियड का, है ना। और इस पीरियड का जीवाश्म जो है होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस, राइट। और ये मिला है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के हथनौरा नामक स्थल से, हथनौरा नामक स्थल से। ये हथनौरा आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में है और ये नर्मदा घाटी में है और इसलिए इसको नर्मदा मानव भी कहते हैं, राइट। नर्मदा मानव, यानी कि दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको फैक्ट याद रखना है कि नर्मदा मानव, राइट, या भारत में जो होमो इरेक्टस का प्रमाण मिला है वो होमो इरेक्टस कहाँ से मिला है, किस पीरियड से मिला है। और यहाँ पर दो चीज़ें हम याद रखना है, एक तो पत्थर की हथियार का डेवलपमेंट हो रहा, आग का आविष्कार हो रहा। पत्थर का हथियार यहाँ पर भी है, मध्यपुरा पसान काल में भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पत्थर का जो हथियार है वो बन रहा है किस चीज़ पर, सॉरी स्लग पर, स्लग पर निर्मित है ना। इसकी अंग्रेजी होती है फ्लैक, और दूसरा यहां पर डेवलपमेंट क्या हो रहा कि यहां से मृतक संस्कार शुरू हो रहा है ना। मृतक संस्कार किसी भी समाज को आप जाओगे, समाज चाहे कितना भी डेवलप क्यों नहीं है, वह समाज जब उसके सदस्यों की मृत्यु होती है, उसके सदस्यों की मृत्यु होती है, तो उस समाज के लोग जो हैं उसका अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार उसका मृतक संस्कार करते हैं। पहली बार मानव इतिहास में जो है मृतक संस्कार करने का प्रमाण हमें यहाँ से मिलता है, इसलिए हमें ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। और ऊंच पुरापाषाण काल में जो हथियार है, पाषाण के यहाँ भी हथियार हैं, पत्थर के हथियार हैं, और ये बन रहे हैं फलक पर निर्मित, है ना, ब्लेड पर निर्मित। और फिर यहाँ से कला का विकास होता है, आर्ट का डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मानव के जब इतिहास का आप अध्ययन करोगे तो इतिहास का अध्ययन करोगे तो फिर देखोगे कि इसमें आर्ट का डेवलपमेंट हो रहा, और आर्ट का डेवलपमेंट मानसिक विकास से भी है, और आर्ट का जो डेवलपमेंट हो रहा उसमें यहाँ डेवलप हो रहा गुफा चित्रकला। एक तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सिंपल जब प्रश्न पूछेगा, सिंपल बहुत सिंपल जब प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत सिंपल जब प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर पूछा जाएगा कि सबसे पहले मानव इतिहास में कला का विकास कब प्रारंभ हुआ, तो हम कहेंगे उच्च पुरापाषाण काल में। यहाँ पर कला का विकास नहीं है, आर्ट का डेवलपमेंट नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में कला के विकास का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये स्थल है भीमबेटका, भीमबेटका
ये भी मध्य प्रदेश में है और आदमगढ़ दो इम्पॉर्टेंट है जहाँ से गुफा चित्रकला का प्रमाण मिला है, पेंटिंग्स मिला है। लेकिन एक और है जो यूपी में है, बेलन घाटी में लोहदा नाला, यहाँ से माती देवी की हड्डी की बनी मूर्ति मिली है, राइट? माती देवी की हड्डी की बनी मूर्ति यहाँ से लोहदा नाला से मिला है, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर शुतुरमुर्ग जो होता है ऑस्ट्रिच, उसके अंडे के कवच पर पेंटिंग मिला है महाराष्ट्र के पटने और भदने से, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको रिमेम्बर रखना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर पत्थर के तो हथियार बन ही रहे हैं, इसके साथ हड्डी के भी हथियार बन रहे हैं, हड्डी के निर्मित हथियार, राइट? यहाँ हड्डी के निर्मित हथियार भी आपको मिल रहे हैं, और इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है, टू द पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले भारत में प्राक इतिहास काल के अंतर्गत या ऐसे भी हड्डी का हथियार निर्माण की प्रक्रिया किस काल में प्रारंभ हुई, तो ये हम यहाँ से ऊंच पुरापाषाण काल से। आप इसमें इतने ही चीज़ों को आप याद रखें, मैंने पहले भी कहा कि इसमें क्वेश्चन कम बनेंगे, और क्वेश्चन कम बनेंगे तो फिर उस पर ज़्यादा टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप टू द पॉइंट जब तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है तैयारी में कि हम जो टाइम लगाते हैं उसमें आउटपुट हमारे पास कितना आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक आप पढ़ रहे हो और आउटपुट आपके पास कम आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपके पढ़ने के जो तरीके हैं उस पढ़ने के तरीके में प्रॉब्लम है। आप अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करें, और जब आप अपने पढ़ने के तरीकों को चेंज करेंगे तो फिर आप ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे। उसी तरह मेसोलिथिक जो पीरियड है, भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, देखो पत्थर का हथियार यहाँ पर भी आएगा, है ना? तो पत्थर का जो हथियार है उसको यहाँ पर सूक्ष्म पाषाण बोल रहे हैं, सूक्ष्म पाषाण हथियार, राइट? माइक्रोलिथ बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इसलिए कभी क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रोलिथ किस से काल से संबंधित है, तो माइक्रोलिथ जो है आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सूक्ष्म पाषाण हथियार माइक्रोलिथ के नाम से जाने जाते हैं, और इस पीरियड में क्या क्या विकास हो रहा वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला चीज़ यहाँ पर शुरू हो रहा, जंगली अन्न के दानों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड ग्रेन, राइट? देखो मैंने पुरापाषाण काल में क्यों मैं उतना उसके भूमिका पर गया कि उस समय के जो पर्यावरण है, उस समय की जो पारिस्थितिकी है, वो पर्यावरण पारिस्थितिकी जो है डिटरमाइंड करती है आपके कल्चरल डेवलपमेंट का। तो उस समय हमारे पास हमारी जो पर्यावरण पारिस्थितिकी थी उसमें नेचुरल जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग प्लांट का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। आप एग्रीकल्चर कैसे करेंगे जो नेचुरली ग्रेन प्रोड्यूसिंग प्लांट है, उसी में हाइब्रिडाइजेशन करके, और हमने एग्रीकल्चर को आज तक यहाँ तक हम लोगों ने लाया 2021 ईस्वी तक। तो यहाँ से पहली बार क्या हो रहा कि अपने आप नेचर में ही गेहूं, जौ, चावल, मटर, मसूर जैसी फसलों का उद्भव हो जाता है, और फिर हमारे पूर्वज उसका कलेक्शन शुरू करते हैं। दूसरा, यहाँ से पशुपालन प्रारंभ होता है, राइट? और इसके बारे में दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। एक तो है राजस्थान का बागौर, राइट? और दूसरा है मध्य प्रदेश का आदमगढ़। ये दोनों ऐसे स्थल हैं जहां से सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला है भारत में, ठीक है?
इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, उसमें बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ दो आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है और ये आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो चीज़ यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ से धनुष एवं बाण का विकास हो रहा, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, है ना, कि धनुष एवं बाण का यहाँ से विकास हुआ। चौथा चीज़ क्या हुआ, डोंगी का आविष्कार हो रहा, डोंगी जो मछुआरे मछली मारते हैं उसका पहली बार मनुष्य के जीवन में प्रवेश हो रहा है और इसलिए मछली मारना भी मानव जीवन में पहली बार यहाँ से आ रहा। इसके बाद क्या हो रहा कि हस्त निर्मित मृदभांड, राइट, हाथ से बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन ये पहली बार हमको मेजोलिथिक पीरियड में आ रहा है और मेजोलिथिक पीरियड में ही पहली बार मनुष्य कृत्रिम आवास का निर्माण कर रहा है ना, कृत्रिम आवास। देखो पहले के जो लोग हैं, इसके पहले के जो लोग हैं वो लोग कहाँ रह रहे हैं, गुफा में, जो प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाएं हैं उन गुफाओं में ये लोग रह रहे हैं। अब पहली बार क्या हो रहा कि हमारे पूर्वजों ने झुग्गी झोपड़ी का निर्माण किया और झुग्गी झोपड़ी का निर्माण करके और फिर वो जीवन यापन करने लगे, ये डेवलपमेंट हमको यहाँ पर होता है। अब इसमें एक चीज़ व्यवहारिक के आप ही सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जंगली अन्न के दानों का संग्रह कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जंगली गेहूँ, जंगली चावल, जंगली जौ, इसका संग्रहण कर रहे हैं तो खाते कैसे होंगे, राइट, तो देखो ये कैसे खाते होंगे, आप अगर बिहार से आप लोग हो तो हुरहा तो खाए होंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास मिट्टी का बर्तन ऐसा नहीं है जिस मिट्टी के बर्तन पे आप इसको उबाल करके और फिर उससे आप इसको खाएं, तो जनरली ये मतलब किया गया, अनुमान लगाया गया है कि जैसे हम लोग बिहार में हुड़हा लगा के खा लेते थे गेहूँ जौ का, मटर का, उसी तरह से मनुष्य यहाँ पर अन्न का उपयोग करता होगा, है ना। ऐसा हमारे पास कोई बर्तन अभी नहीं बना है कि वो उसका रोटी बना लेता होगा, उसका आटा बना लेता होगा, उसका चावल बनाए का भात बनाएगा, ऐसा नहीं प्रमाण मिल रहा, वो उसी रूप में वो करेगा और उसी रूप में वो खाने का प्रयास करेगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टेज। और इसके बाद तीसरा जो स्टेज है, मतलब लास्ट जो आपका स्टेज है, यहाँ पर कृषि का विकास होता है, जो मानव के जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना, एक साइट है 7000 BC में, ये मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में है, तो मेहरगढ़ से गेहूं और जौ उपजाने का साक्ष्य मिल रहा, ठीक है, 7000 BC में भारत में सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण अगर कहीं मिल रहा तो मेहरगढ़ से मिल रहा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और एक कोल्डिहवा है, ये उत्तर प्रदेश में है कोल्डिहवा, यहाँ से चावल उपजाने का साक्ष्य जो है, सबसे प्राचीन साक्ष्य चावल उपजाने का, वो विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य चावल उपजाने का जो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर खेती होना शुरू हुआ, ये याद रखना है, और खेती जो होना शुरू हुआ तो खेती ने मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव लाया, क्या क्या बदलाव लाया, तो यहीं से अस्थाई जीवन शुरू हुआ परमानेंट, यानी इसके पहले मनुष्य को अगर आप देखोगे तो मनुष्य क्या करता था, घुमंतू जीवन व्यतीत करता था, पहली बार मनुष्य का जीवन में अस्थायित्व आता है। और अस्थाई जीवन के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ क्या आता है कि चाक का आविष्कार होता है, राइट,
अब देखो चाक का आविष्कार होने से यहाँ पर क्या होता है कि चाक का दो यूज है ना, एक तो चाक निर्मित बर्तन, राइट, और दूसरा बैलगाड़ी, है ना। अब पहिए का इस्तेमाल जो है हम एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह तक जो है अपने आप को ले जाने के लिए कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है और दूसरा यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ सोचो कि चाक निर्मित बर्तन, यहाँ हाथ से निर्मित बर्तन, जैसे गांव में देखोगे कि अभी भी गांव में जो महिलाएं हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी का भाड़ बना लेते हैं, मिट्टी का जबड़ा बना लेते हैं, उसमें अनाज को रखते हैं। लेकिन चाक के निर्माण और चाक निर्मित बर्तन का जो निर्माण है ये बड़ा मतलब एडवांस से टेक्नोलॉजी को आप टेक्नोलॉजिकल विकास को रेखांकित करता है, क्योंकि आज भी अगर आप पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हैं तो चाक पर मिट्टी का बर्तन नहीं बना सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से ध्यान ये रखना है कि चाक पर केवल बर्तन बनाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको बर्तन को पकाने की विधि, क्योंकि अब हम बर्तन का इस्तेमाल किस लिए करेंगे, हम बर्तन का इस्तेमाल करेंगे चावल बनाने के लिए। तो चावल बनाने के लिए जो बर्तन है जिसमें भात बनाना हम शुरू करेंगे, वो बर्तन तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम पानी को उबाल सकें, राइट। तो अगर मिट्टी के बर्तन को ठीक ढंग से पकाया नहीं जाएगा तो उसमें पानी को आप उबाल नहीं सकते, उसमें लिक्विड को आप रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये रखना कि बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। जैसे आपने अगर कुम्हार को बर्तन पकाने की विधि आपने देखा होगा कि कुम्हार किस प्रकार से बर्तन को पकाता है, तो एक बर्तन शुरुआती दौर में इन लोगों ने क्या किया कि ईंधन रख दिया, उस पर मिट्टी के बर्तन को रख दिया, पका दिया, या धूप में उन्होंने रख दिया और धूप में रख करके उन्होंने पका दिया। लेकिन आजकल के जो मिट्टी का बर्तन बनता है वो बंद आवा विधि से बनता है, ठीक है, यानी वो क्या करता है कि ऐसे गड्ढा खोद देगा, नीचे ईंधन, यहाँ ईंधन, फिर यहाँ पर बर्तन, ठीक है, यहाँ पर बर्तन, और एक होल रखेगा यहाँ पर, और फिर इसको मिट्टी से लेप देगा और इस होल के माध्यम से उसमें आग डाल देगा और फिर इसको ऐसे कर देगा, लेकिन थोड़ा सा खुला रहेगा। अब देखो ये साइंटिफिक है, क्योंकि आग अगर आप यहाँ से डालते हैं और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगा। तो इतनी एडवांसमेंट जो है इस पीरियड में, न्योलिथिक पीरियड में ये होती है। और इसके साथ साथ थे जैसे कपड़ा बनाना, कपड़ा बुनना, है ना, अभी सूती का वस्त्र नहीं है लेकिन ऊन का वस्त्र संभवतः ये बनाने लगे थे और चमड़े का वस्त्र ये बनाने लगे थे। और इसके अलावा यहाँ से एक विलेज कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, ग्रामीण समुदाय का डेवलपमेंट होता है और यहाँ से एक स्टेबल जीवन होता है। अब देखो पूरे प्रीहिस्ट्री में अगर बिहार के संदर्भ को आप देखोगे तो बिहार में जो है प्रीहिस्ट्री का साक्ष्य हमें एक तो मुंगेर की पहाड़ियों से मिला है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक वगैरह का प्रमाण मिलता है। और दूसरा न्यूलिथिक जो पीरियड है, इस न्यूलिथिक पीरियड का प्रमाण आपको चिरांद, है ना, बिहार में सारण जिला में छपरा से 12 किलोमीटर पूर्व जो है चिरांद एक स्थल है, और उस स्थल का जब उत्खनन किया गया तो वहाँ से जो है हमें न्यूलिथिक के पीरियड के साक्ष्य मिले हैं। और इसलिए चिरांद हमारे बीपीएससी के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप एक तो इन चीज़ों को आप लोग रिमेम्बर रखेंगे जिन चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने की, और आगे भी क्लास में मैं इसी फॉर्मेट पर आपको कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, देखो क्या है
कि हर चीज़ याद करके पीटी की परीक्षा नहीं पास की जाती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर आप याद रखोगे और उसके सीक्वेंस को बनाए रखोगे तो फिर आप आराम से परीक्षा को भी पास करोगे और आपको समझ में भी आएंगे, राइट। तो आज ये हम लोगों ने इन चीज़ों को जाना। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप प्रश्न पूछ सकते हो और फिर उस प्रश्न, हाँ बताइए। देखो लोहा छठी शताब्दी, लोहा उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा, उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के बाद। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग केवल हथियार औजार के लिए होता था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग खेती में भी होने लगा है। यानी बुद्ध का जो काल है उस बुद्ध के काल से लोहे का प्रयोग खेती के औजार के रूप में भी हो रहा, शिल्प उद्योग में भी हो रहा। लेकिन भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग 1000 BC में हो रहा और ये उत्तर वैदिक काल में हो रहा, ठीक है। आगे के टॉपिक में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे भी। और कोई प्रश्न किसी के पास है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग जो है मंडे को अब क्लास हम लोग बात करेंगे। तो मंडे को क्लास जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग इंडस सिविलाइजेशन की बात करेंगे, है ना। यहीं से कनेक्ट आपको करेंगे। उसमें चालकोलिथिक के पीरियड भी रहेगा और चालकोलिथिक पीरियड के बाद फिर इंडस सिविलाइजेशन की बात करेंगे। तो NCERT बुक से आपको चालकोलिथिक भी पढ़ लेना है और इंडस सिविलाइजेशन भी पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि कई लोगों का कनेक्शन जो है बीच में कट रहा है, और तो आप कनेक्शन जो ऑनलाइन कनेक्शन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो हैवी मतलब कैमरा से जाता है तो इसका रेजुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब है जिस कैमरे का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इससे आपका जो GB जो है आपके पास जो रहता है ऑनलाइन जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म भी होता है, ध्यान ये रखना है। क्योंकि मैं तो ऑप्टिकल फाइबर लगाया हुआ हूँ लेकिन उसमें भी बीच बीच में कभी कभी ब्लिंक करता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस वो रहता है, तो बीच बीच में हो सकता है कभी व्यवधान हो। अदरवाइज जो है हम लोग इसी तरह से बात करेंगे। मंडे को फिर हम लोग 3 बजे मिले और 3 बजे मिल करके हम लोग चालकोलिथिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। और एक बार आप लोग बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा NCERT बुक, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको लगे कि आप जान रहे हैं और फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठ रहे हैं, राइट। नहीं तो आप क्या करोगे, इतिहास पढ़ोगे रात को और फिर सुबह सफा हो जाएगा, पूरी तरह से गोल हो जाएगा, राइट। तो आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे मंडे को। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। ओके।